प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के अलंकरण समारोह में आज यहां पर जिनका सानिध्य हम सबको प्राप्त होने जा रहा है, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव खेल श्री नवनीत सहगल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, कॉमनवेल्थ गेम्स और नेशनल गेम्स में जिन खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है या मेडल प्राप्त किए हैं, आज यहां पर उपस्थित सभी प्रदेश के हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी और अन्य उपस्थित भाइयों बहनों, आज देश का 74वां गणतंत्र दिवस है। प्रदेश आज संविधान लागू होने की स्थिति को कर्तव्य तिथि के रूप में आयोजित करके अपने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अमर बलिदानियों का स्मरण करते हुए देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति संकल्पित होने और भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंचप्रण के अभियान के साथ जुड़ रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस के कार्यक्रम को ही आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खासतौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स में और नेशनल गेम्स में जिन खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था और मेडल प्राप्त किया था, उनके सम्मान के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय का, आगंतुक सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। आज बसंत पंचमी का भी पावन अवसर है। बसंत पंचमी प्रकृति के सौंदर्य और प्रकृति की सुंदरता को प्रदर्शित करने वाली एक प्राकृतिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण कड़ी, ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पूजन की तिथि भी है, और इसलिए आज के इस विशिष्ट तिथि के अवसर पर मैं आप सभी प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का हृदय से इस समारोह में स्वागत करता हूं। जिन्हें आज इस मंच पर सम्मानित किया गया है, उन सबको प्रदेश सरकार की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर खेल और खेल से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की विधाओं को आगे बढ़ाने के लिए विगत 8 वर्षों में भी कार्यक्रम चले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से जो कार्यक्रम आगे बढ़े, आज उसके परिणाम हम सबके सामने दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों ने टोक्यो ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने स्थान प्राप्त किया था,
उन सभी खिलाड़ियों के सम्मान के लिए प्रतिभाग करने वाले और मेडल प्राप्त करने वाले उन सभी खिलाड़ियों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक अलग समारोह करके उनका इकाना स्टेडियम के भव्य आयोजन में उन्हें यहां एक सम्मान दिया था। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था, इकलौता राज्य था जिसने न केवल अपने खिलाड़ी को, अपने राज्य के खिलाड़ियों को, बल्कि देश के उस प्रत्येक खिलाड़ी को जिसने देश के लिए मेडल जीता था और उत्तर प्रदेश के उस प्रत्येक खिलाड़ी को जिसने ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग किया था, उन सबको यहां पर अलंकरण समारोह के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उन्हें सम्मानित करने का कार्य भी किया था।